हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन के पर्पस से बनाया गया है, इन्फॉर्मेटिक है। तो वीडियो पूरा देखें, इसमें आपको काफ़ी जो इम्पोर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है आज मैं शेयर करने वाला हूं। तो जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं, कार के बारे में ये आज का वीडियो होने वाला है। तो इसके बारे में आज आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो गाइस, जब भी आप अपनी कार को स्टार्ट करते हैं तो आपको किस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए, आज उसी के ही बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले जो है हम कार को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये मैंने कार को जो है स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसका जो है आरपीएम मीटर है जो कि 0 से लेकर 8 तक जाता है, यानी कि 1000, 2000 और 8000 तक ये जाता है। तो इसमें भी आप देखेंगे, जैसे ही मैंने कार को स्टार्ट किया, इसकी जो मीटर है ये आरपीएम का, रोटेशन पर मिनट जो सुई है, अभी जो है 1000 आरपीएम से ऊपर है, यानी कि 1500 आरपीएम के ऊपर है जैसे ही मैंने स्टार्ट किया। तो अभी जैसे मैंने कार को स्टार्ट किया है, ये आप देख सकते हैं, आपको मालूम होगा कार में आरपीएम मीटर और ये स्पीडोमीटर रहता है। तो जिन कार्स में ये आरपीएम मीटर रहता है ये उनके लिए है। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को, तो अभी जो सुई है बिल्कुल 1500 आरपीएम के ऊपर है। तो जैसे ही हम स्टार्ट कर देते हैं, आप जैसे मैंने अभी स्टार्ट किए हुए इसको लगभग 1 मिनट हो चुका है, तो आप स्टार्ट करने के बाद जो है कार को एकदम से ड्राइव ना करें कि जैसे ही आपने अपनी कार में फर्स्ट गियर लगाया और उसके बाद आपने ड्राइव शुरू कर दी, तो ऐसा ना करें। तो यही इम्पोर्टेंट बात है कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है सुई इसकी जो है आरपीएम की मीटर की नीचे आ रही है। तो इसको जो है नीचे आने दें, पहले एकदम से कार को ड्राइव स्टार्ट ना करें आप। तो इससे क्या है कि जो कार की रिलायबिलिटी और इंजन की जो परफॉर्मेंस है, और इंजन जो है आपका सही तरीके से जो है प्रिपेयर हो जाता है कार को ड्राइव करने के लिए। एकदम से आप कार को ड्राइव करते हैं तो इंजन को जो है आप थोड़ा सा टाइम दें उस चीज़ को, इंजन को सारे जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको प्रिपेयर होने के लिए आप थोड़ा सा कार को टाइम दें। तो जैसा कि अभी आपने देखा, आरपीएम जो इसकी जो सुई है नीचे आ चुकी है, और ये चीज़ जो है आप कार की जो साउंड है जैसे स्टार्ट करते हैं उससे भी आप जो है गैस कर सकते हैं। तो अभी आप सुन सकते हैं वीडियो में आपको कितनी आवाज़ जो है कार की सुनाई दे रही है, वो आप चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं आप। तो कार की आवाज़ से भी आप इस चीज़ को गेस कर सकते हैं। कार की आवाज़ जैसे ही स्टार्ट करेंगे तब उस टाइम थोड़ी सी ज़्यादा होगी, चाहे वो पेट्रोल कार है या फिर वो डीजल कार है। तो अभी जैसे आरपीएम इसका जो है बिल्कुल जो नीचे आ चुका है, अभी आप देख सकते हैं 1000 से थोड़ा सा ऊपर है। तो अभी जो क्या है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेबल है, स्टेबल हो चुका है। ये आरपीएम की जो सुई है अभी स्टेबल है। तो अभी जो कार जो है आपकी पूरी तरह से जो है रेडी है, कार ड्राइव इंजन बिल्कुल रेडी है, अभी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो ये एक सिर्फ एक सजेशन है, एक रिकमेंडेशन है ऑटोमोबाइल्स की तरफ से, एक रिकमेंडेशन है। आप इसको जो है फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ये डिपेंड आपके ऊपर है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी इस पर मिली होगी। तो कमेंट सेक्शन में भी मुझे आप इसके बारे में बताएं, आप अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक भी करें और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।